الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدر محترم حافظ نذیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ مولانا معین صاحب زیدہ فیضون مولانا زید صاحب اورنگ گاؤں کے امام و خطیب حضرت مولانا مفتی صابر صاحب حنفی زیدہ فیضون مولانا قیصر صاحب حافظ ابوذر صاحب اور جمعیت علماء اورنگ گاؤں کے ذمہ داران حافظ ابراہیم وغیرہ जिन्होंने इन प्रोग्राम को सजाया और ये महफिल जिस मकसद के लिए मुनाकिद की गई है इसमें भरपूर ताउन किया, हम उन तमाम के ममनून और मशकूर हैं। इस वक्त हमारे सामने एक बैनर लगा हुआ है, उस पर लिखा है इस्लाह माशरा हालत हाजरा नशा मुखालिफ मुहिम और सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम। इस वक्त हम दो मौजू लेकर आपके पास आए हैं, एक इस्लामी माशरा और दूसरा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दोनों मौजू जमीयत उलमा हिंद की तरफ से है। कबल इसके कि मैं इस्लामी माशरा के उनवान पर अपनी बात शुरू करूं, जमीयत उलमा आपने बारहा नाम सुना होगा, एक तंजीम का नाम है। ये तंजीम क्यों बनाई गई, इस तंजीम की खिदमत क्या है, अगर इस उनवान पर बात की जाए तो घंटे भी कम है, लेकिन मुख्तसर इस तंजीम का अगर मैं खुलासा आपके सामने बयान करूं तो वो ये कि जिस वक्त हमारे इस मुल्क पर अंग्रेजों ने कब्जा जमाया था और वो जुल्म ज़ालिमिया कर रहे थे, यानी बरतानी हुकूमत यहाँ कब्जा जमाकर हिंदुस्तान के वकार को खत्म करना चाहती थी, उस वक्त हमारे अकाबरीन उलमा ने उनके दिफा के लिए उनके खिलाफ में खड़े होकर जमीयत उलमा को मुनअक़िद किया। और वो सन हिजरी सन ईस्वी 1919 की बात है, यानी आज इस जमीयत उलमा की तहरीक को मुकम्मल 102 साल होने जा रहे हैं। गुज़िश्ता 2 साल पहले जमीयत उलमा का जश्न सदसाला मनाया गया, इजलास जश्न सदसाला के अनवान से मनाया गया और इसकी बड़ी खिदमत है, उन खिदमत का भी मौका नहीं है, लेकिन इस वक्त इस जमीयत के मौजूदा सदर, क्योंकि हम जमीयत के अनवान से अपने गांव में अपने शहर में पहली मरतब आए हैं, इस जमीयत का तारुफ भी होना ज़रूरी है। अगर इसका तारुफ हमारे सामने नहीं होगा, इसकी खिदमत हमारे सामने नहीं आएगी, तो इस तंजीम को हम नहीं समझ सकते। देखिए अल्लाह ताला ने
मुख्तलिफ किस्म की शख्सियात इस दुनिया में पैदा किया, मुख्तलिफ किस्म की कमेटियां रब्बुल आलमीन के फजल से हमारे अपने मुल्क में काम कर रही है। उसमें एक जमीयत उलमा है, जमीयत उलमा का अपना एक मिशन है, एक टारगेट है, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इसका अपना एक टारगेट एक मिशन है, दावत तबलीग इसका एक टारगेट एक मिशन है, मदारिस इसका टारगेट एक मिशन है, मकातिब इसका टारगेट और एक मिशन है। ये सारी की सारी मेहनत और ये सारी की सारी कोशिशें ये हमें रब तक पहुंचाने के लिए है। अगर हम जैसे इस बात को अपने अंदर अहमियत देते हैं कि जमात में निकलना, 4 महीने लगाना, साल की जमात में जाना, चिल्ले की जमात में जाना, मकातिब में बैठकर बच्चों को पढ़ाना, जी जिस तरह ये दीन की खिदमत है, इसी तरीके से जमीयत उलमा की मुहिम को आगे बढ़ाना, उसका मेंबर बनना, उसको फौकियत देना, उसको ताकत बख्शना, ये भी सवाब का काम है। अब इस वक्त जमीयत उलमा हमारे नौजवानों से क्या चाहती है, हमारे बुजुर्गों से क्या चाहती है, उलमा से क्या चाहती है, तो ये रोशन मुस्तकबिल चाहती है। क्योंकि मैंने पहला जो मकसद आपको बताया जमीयत उलमा के इनेकाद का, इसकी बुनियाद का, तो वो अंग्रेजों का मुकाबला था और हमारे अकाबरीन ने अल्हम्दुलिल्लाह इसे डटकर मुकाबला किया और मुकाबले के लिए कई हालात से गुजरना पड़ा, यहाँ तक के ऐसे हालात हमारे बुजुर्गों पर आए। एक मौरख लिखता है कि जिस वक्त हमने अंग्रेजों का मुकाबला किया, मुकाबले के नतीजे में हमको जेल की सजाएं काटनी पड़ी, यानी मौरख लिखता है अकाबरीन को जेल की सजाएं काटनी पड़ी, काले पानी में जब बंद किया गया और इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जब हमने मेहनत शुरू की, तो मेहनत का तरीका ये था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ में खुलेआम फतवे देते थे, जान की परवाह किए बगैर फतवे देते थे, तो हमारी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। जब हमें काले पानी में भेजा गया, यानी उलमा अपनी जुबानी बयान करते हैं, जब काले पानी की सजा हमको सुनाई गई, तो हमें एक ऐसे कफस में, एक ऐसे पिंजरे में कैद बंद किया गया कि जिस पिंजरे के हर तरफ हमारी जुबान में, हम जिसको खीमे बोलते हैं उर्दू में, इसको पहले खीमे का लफ्ज इस्तेमाल, कील कील का लफ्ज उर्दू में, हमारी जुबान में खीले हम जिसको कहेंगे, तो उस पिंजरे में हर तरफ से खीले ठोस दिए गए और उस पिंजरे में हमको बंद किया। जब हम बैठने की, टेक लेने की कोशिश करते थे, तो टेक लेने की वजह से वो कीले हमारी पीठ में घुस जाते थे। जब हम बैठने की कोशिश करते थे, तो वो कीले हमारी कमर में घुस जाते थे। जब उस पिंजरे से हम बाहर आने की कोशिश करते थे, तो वो कीले हमारे सीने में और पेट में चुभते थे। नतीजा ये था कि निकलने की कोशिश में हमारे पैर, मेरे भाइयों, ये जुमला हमें ताइफ का मैदान याद कराता है, हुजूर की वो कुर्बानी याद दिलाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अवबाशों ने, बदमाशों ने पत्थर मार मार कर, नौकी ने पत्थर मार मार कर जो खून से लहूलुहान किया था, इस मुल्क को आजाद करने में हमारे अपने अकाबरीन ने वो कुर्बानियां पेश की है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाहदे हैं। मौलिक लिखता है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थर बरसाए गए, तो आपकी जूतियां खून से लहूलुहान हो गई थी। बिल्कुल इसी तरीके से जो अकाबरीन काले पानी में बंद थे, कैद थे, वो कफस में उनकी कैफियत ये थी कि उनका खून भी जो तो अपने पांव में आकर निकलता था। ये जमीयत उलमा की मुख्तसर तारीख है। उसके बाद हमारे अकाबरीन ने इस तहरीक को मुनज़्ज़म अंदाज से पूरे मुल्क में चलाया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सन हिजरी 20 2023 के अंदर इस उलमगांव के एक छोटे से कस्बे में जमीयत उलमा के गीत गा रहे हैं, उसकी तारीख को याद कर रहे हैं 100 साल के गुजरने के बाद। तो जिस तहरीक को चलाने के लिए, जिस मिशन को चलाने के लिए कुर्बानियां दी जाती हैं, तो रब्बुल आलमीन उस कुर्बानियों को बाकी रखते हैं। और हमारे अकाबरीन ने अपने खून पसीने के जरिए से इस तहरीक को सींचा, इसको चलाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके मौजूदा सदर हजरत मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया, और इससे कबल बहुत बड़े अकाबरीन शख्सियात बड़ी बड़ी हमारी गुजरी है, मेरे पास वक्त कम है, और मौजूदा सदर हमारे महाराष्ट्र के हजरत मौलाना हफीज नदीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, और हम जिस जिले में रहते हैं इसके मौजूदा सदर हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब फारूकी नदवी, और हमारे तालुके के सदर हजरत मौलाना हफीज नजीर साहब इमाम खतीब फतेह इस्लाम मस्जिद, जो कई सालों से माशाल्लाह अपने तालुके में जमीयत के काम को संभाले हुए हैं, और इनके दो पुराने हाथ बाजू, एक हमारे हाजी इसाक बागवान साहब और सेक्रेटरी जनाब गुलाम देशमुख हुसैन उर्फ चांद सर, जो हमारे जौहर स्कूल के बहुत सीनियर पुराने असातिज़ा में है,
मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ औरंगाबाद में कोई टीचर हो और उन्होंने अक्कलकुआ में सिल्लोड में तालीम हासिल की हो तो जरूर उन्होंने उनसे इस्तेफादा किया होगा। गर्ज जमीयत उलमा को समझना इस वक्त हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए मेरे भाइयों, मैंने बात की कि जैसे मकातिब मदारिस दावत तबलीग एक मिशन लेकर चल रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से जमीयत का अपना एक टारगेट है, एक मिशन है। और मिशन ये है कि मुल्क में बसने वाला मुसलमान कैसे अपने तहफ्फुज के साथ, अपनी ईमानी शनाख्त के साथ, अपनी ईमानी बका के साथ, अपने पूरे हुस्न वकार के साथ इस मुल्क में जिए, इसकी कोशिश ये जमीयत उलमा का काम है। इसके लिए हम सब पहले इस जमीयत को समझें और इससे जुड़ने की कोशिश करें। आज ये अज़्म करें कि इंशाअल्लाह अब हम इस जमीयत के मिशन को, इसके प्लान को समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन करेगा, पहले हाथ उठाए। माशाअल्लाह, देखिए छोटे छोटे बच्चों के हौसले और इनके जज्बे बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज की हमारी इस मजलिस को, हमारे इस जलसे को कबूल फरमाए। देखिए एक तो हम इस्लाह माशरा और दूसरा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जमा हुए। आपने बहुत मुबारकबादी के मुस्तहिक है हमारे वो नौजवान। हमें 4 दिन पहले आया था, तकरीबन 4 से 5 दिन पहले ऐसे मकतब के तकाजे को लेकर आए थे हम। तो नौजवानों ने ये कहा कि मौलाना हमारे अपने गांव में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे वो याद दिला दिया, हम आज 4 दिन पहले जो है तो मजलिस से यहाँ अपने जमीयत उलमा के दफ्तर में बैठकर हमने प्रोग्राम बनाया कि हमने को औरंगाबाद में इस्लाह मुआशरा और सीरतुल नबी का प्रोग्राम लेना है। और फिर हमने दीगर जिहादों का भी तय किए। तो सबसे पहले हमारी इस आवाज पर लपटे कहने वाले अगर कोई है हमारे तालुका सिल्लोड़ में तो औरंगाबाद वाले हैं। आप देहातों में जितनी भी खैर इस इस्लाह मुआशरा और सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए फैलेंगी, इंशाअल्लाह उसका सवाब आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि ये हमारी ये तहरीक आपके गांव से शुरू हुई है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी ये तहरीक पूरे तालुके में जारी रहेगी और आप हमारा इसमें हर मुमकिन साथ देंगे इंशाअल्लाह। देखिए इस वक्त मुझे जो उन्वान दिया गया है वो इस्लाह मुआशरा। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि इस्लाह मुआशरा कहते किसको है। इस्लाह मुआशरा, मुआशरा अगर हम अपनी हिंदी जुबान में उसको अपने गांव की जुबान में समझने की कोशिश करेंगे तो मुआशरा हम समाज को कहते हैं। और समाज तरक्की कैसे करता है, तो समाज तरक्की करता है सबसे बुनियादी और अहम चीज उसके लिए ये है कि आदमी अपनी इस्लाह की फिक्र करे। आदमी सबसे पहले हदफ और टारगेट और निशान अपनी जात को इस्लाह के लिए बनाए। हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर कोई इस्लाह की बात की जाए, कोई इस्लाह का खिताब जुमा में हो जाए या कोई इस्लाही नशिस्त किसी बुजुर्ग की लग जाए तो सबसे पहले आदमी ये समझता है, जैसे मिसाल के तौर पर अभी जो भी बातें आएगी तो एक आम सवाल हमारे जहन में आएगा, यार मौलाना के जहन में अल्लाह ताला ने ऐसी बातें डाली, अगर वो फला होता तो उसका बहुत फायदा होता। आप समझ रहे बात, फला होता तो उसका बहुत फायदा होता, वो फला की तरफ हमारा जहन चला जाना कि वो होता तो उसका फायदा होता। तो यही हमारे माशरे में आमतौर पर इस्लाह इसलिए नहीं हो रही है कि हर होने वाला बयान, हर होने वाला खिताब हम दूसरों के लिए समझ रहे हैं। मैं कुर्सी पर बैठकर आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मेरी अपनी नीयत, अल्लाह मेरी नीयत को जो है तो खैर की तरफ बदल दे। मैं अपने आप को भुलाकर लोगों की इस्लाह की खातिर बयान कर रहा हूँ और अपनी इस्लाह को भूल रहा हूँ, इस वजह से हमारे माशरे की इस्लाह नहीं हो पा रही है। वरना इस्लाही बयान, इस्लाही नशिस्ते और इस्लाही तरगीबें कई सालों से हमारे अपने अकाबरीन की तरफ से भी जारी है, लेकिन आज के इस मजमे को देखकर ऐसा लगता है कि ये मजमा तलब लेकर बैठा है, अपने आप को बदलने की नीयत से आए हैं। तो मेरे भाइयों, इस्लाह का सबसे पहला सबक यहीं से शुरू होता है कि आदमी अपने आप को सबसे पहले इस्लाह के लिए पेश करे। इसलिए ये इरादा करें, अज्म करें कि इंशाअल्लाह आज की इस मजलिस में जितनी भी बातें पेश की जाएंगी हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।